तो आई टोल्ड यू कि हमारे पास जो कंप्लीट साइकिल है एग्जीक्यूशन की, राइट? सो व्हेन यू एग्जीक्यूट एनी इंस्ट्रक्शन, यू हैव थ्री साइकिल्स. तो थ्री फेजेज आर देयर व्हेन यू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन. द फर्स्ट फेज इज़ योर फेच स्टेज, ठीक है. द सेकेंड फेज इज़ योर डिकोड स्टेज, एंड योर थर्ड फेज इज़ योर एग्जीक्यूट स्टेज. तो हम लोग ये समझेंगे कि जो तीनों स्टेजेस है, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दीज थ्री स्टेजेस इन आवर कंप्यूटर, जो भी कंप्यूटर हमने अब तक डिज़ाइन किया है, वट एवर कंप्यूटर वी हैव डिज़ाइन सो फार. तो उस कंप्यूटर के अंदर हम ये तीनों स्टेजेस को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं? हाउ कैन वी परफॉर्म अ फेच ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, हाउ कैन यू परफॉर्म डिकोड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, हाउ कैन यू परफॉर्म एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन. किस तरीके से हम तीनों साइकिल्स को परफॉर्म कर सकते हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डिस्कस्ड अबाउट दिस कंप्यूटर इज़ हैविंग अ कंट्रोल यूनिट, ठीक है. अब कंट्रोल यूनिट का काम क्या था? इफ़ यू गो बैक हियर, तो आपने चेक किया होगा कि आई हैव गिवन यू दिस कंप्लीट सिस्टम, ठीक है. तो कंप्लीट सिस्टम में हमें क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, सो दैट विल बी गवर्न बाय योर कंट्रोल यूनिट. वो सभी ऑपरेशन जो है वो आपकी कंट्रोल यूनिट उसको गवर्न करेगी, ठीक है. सो एज यू कैन सी, व्हाट इज़ अ कंट्रोल यूनिट, व्हाट इज अ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट ऑफ अ प्रोसेसर ट्रांसलेट्स द मशीन इंस्ट्रक्शन टू द कंट्रोल सिग्नल्स फॉर द माइक्रो ऑपरेशंस दैट इम्प्लीमेंट देम. कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस है, फॉर एग्जाम्पल यू आर परफॉर्मिंग एन एडिशन ऑपरेशन, ठीक है. अब इस एडिशन ऑपरेशन को हमें कैसे ट्रांसलेट करना है ताकि हम कुछ ऐसे सिग्नल्स को सेंड कर सके, सो दैट आवर सिस्टम और आवर कंप्यूटर कैन परफॉर्म दोज टास्क, एंड दैट कैन बी डन बाय कंट्रोल यूनिट. अब जनरली ये जो कंट्रोल यूनिट आपके पास होती है, यू कैन हैव टू काइंड्स ऑफ कंट्रोल यूनिट. दो तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. द फर्स्ट वे इज़ यू कैन मेक अ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, एंड सेकेंड इज़ यू कैन मेक अ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, ठीक है. सो इन हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, इट इज़ मेड अप ऑफ सिक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशन सर्किट्स टू जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स. एंड अ माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल यूनिट, अ कंट्रोल मेमोरी ऑन द प्रोसेसर कंटेन्स माइक्रो प्रोग्राम्स दैट एक्टिवेट द नेसेसरी कंट्रोल सिग्नल्स. तो बेसिकली हार्डवेयर का मतलब क्या, हार्डवेयर का मतलब क्या है कि हमें जो भी चीज़ें हैं उसको अपने हार्डवेयर के अंदर इंप्लीमेंट करनी है. वट एवर ऑपरेशन यू वॉन्ट टू परफॉर्म, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दोज ऑपरेशन इन योर हार्डवेयर. उन सभी ऑपरेशन को आपको अपने हार्डवेयर लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है, देन आई कैन मेक इट एज ए हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट, ठीक है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी, जैसे अगर हमें कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू इट, तो वो सभी कहाँ से आएगा हमारे पास, दैट विल बी डन बाय कंट्रोल यूनिट. तो पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या है, और इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ टाइमिंग सिग्नल का मतलब क्या है और कंट्रोल सिग्नल का मतलब क्या है. हाउ कैन यू मेक अ टाइमिंग सिग्नल, ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव टू थिंग्स. वन इज़ अ सीक्वेंस काउंटर. जैसे यहाँ पर आपके पास एक 4-bit सीक्वेंस काउंटर है, यू आर यूजिंग अ डिकोडर हियर, इट इज़ अ 4x16 डिकोडर, एंड हियर यू हैव अ डिकोडर. तो ये जो डिकोडर है, दिस इज़ यूज टू डिकोड द इंस्ट्रक्शन, दिस डिकोडर इज़ यूज टू यू नो परफॉर्म द ऑपरेशंस. तो एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसका पूरा मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ दिस, और फिर लेट अस से कि ये जो डायग्राम है, जैसे ये डायग्राम यहाँ पर गिवन है ना, सो यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास क्लॉक है T0, T1, T2, T3, T4, अप टू सो ऑन. इन सभी क्लॉक्स का मतलब क्या है, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज क्लॉक्स, ठीक है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ओके. सो लेट अस अज्यूम कि आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है, ठीक है. एंड व्हेन यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में आपके जो साइकिल्स हैं, जैसे सबसे पहली साइकिल है आपके पास फेच स्टेज. सबसे पहले आपके पास स्टेज होती है यहाँ पर फेच. तो फेच स्टेज के अंदर हम लोग क्या क्या ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, लेट मी राइट ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस हियर. सो सबसे पहला है कि प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस है, वी विल कॉपी दैट एड्रेस टू द एड्रेस रजिस्टर, ठीक है. सेकेंड इज कि हम प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है. सो लेट मी ऑल्सो शो इट टू यू. अगर आप सभी सब इसको प्रॉपर में बना ही देता हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू नीड इट वेरी फ्रिक्वेंटली. आप सबको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर. सो वी स्टार्ट अ साइकिल हियर, मतलब स्टार्ट ऑफ साइकिल, ठीक है. साइकिल को स्टार्ट करने के बाद वी डू द फर्स्ट स्टेप विच इज़ योर फेच स्टेट. तो फेच स्टेट में क्या होता है, एड्रेस ऑफ
program counter is copied to your address register. तो ये आपका पहला step है कि program counter के अंदर जो भी address है उसको आप address register के अंदर copy करेंगे. Okay. After this, the second step here is that program counter is incremented to point to the next instruction. प्रोग्राम काउंटर को आप इंक्रीमेंट करेंगे ताकि आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के पास पॉइंट कर सकें. ठीक है, राइट. देन आफ्टर दिस योर थर्ड स्टेप इज योर इंस्ट्रक्शन फाउंड एट द एड्रेस डिस्क्राइब्ड बाय address register copied to the data register. तो जो भी हमें address मिला था उसमें जो instruction हमें मिली है उस instruction को हम data register के अंदर copy करेंगे. Okay, and then instruction in data register is copied to the इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. जो डेटा रजिस्टर पे जो इंस्ट्रक्शन है हम उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर कॉपी करेंगे. ठीक है, तो ये जो पूरी साइकिल थी यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक, दिस एंटायर फेज इज़ योर फेच स्टेज. ये पूरा जो फेज है ये आपके पास फेच स्टेज है. ओके, उसके बाद यू सेंड दिस कंट्रोल यूनिट, इट डिकोड्स the content of instruction register. आपकी जो control unit है वो instruction register के content को decode करेगी. ठीक है, and then from here your control unit sends signal to relevant component, that is your ALU, to perform the operation. Okay, and after this you perform an end of the cycle. Then you have, you can say end of cycle. ठीक है, तो यहां पर ये जो स्टेज है, this stage here, I should say this stage here, this stage is called as decode stage. Okay, and here this stage is called as your execute stage. ये जो stage है हम इसको execute stage बोलते हैं. Okay, सबसे पहले क्या करो, please write down this everything in your notebooks and write down in the chat window, then we can move forward. सबसे पहले इसको अपनी notebook के अंदर लिखें, उसको done कर दीजिए chat window के अंदर.